कांग्रेस की आधी में 3 साल बाद फिर उड़ गई बीजेपी। कांग्रेस की जबरदस्त वापसी, कांग्रेसियों में मची जश्न की आधी। बता दे छत्तीसगढ़ में 15 नगरीय निकाय पर चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रचंड जीत मिली है। 14 निकायों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। वहीं पर सिर्फ एक कमल खिला है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस ने दमदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि 3 साल बाद विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की लहर में बीजेपी साफ हो गई थी। वहीं 90 में से 70 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बता दें निकाय चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से आधी में उड़ गई है। 3 साल बाद पार्टी को कतई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाजपा का इतना बुरा दिन आ जाएगा। दरअसल निकाय चुनाव में प्रचंड जीत से कांग्रेस के अंदर भूपेश बघेल को नई शक्ति मिली है। अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस में भूपेश बघेल और मजबूत हुए हैं। शहर की सरकार में उन्होंने अपने नेतृत्व का दबदबा एक बार फिर से दिखा दिया है। दरअसल 15 साल तक लगातार छत्तीसगढ़ में राज करने के बाद बीजेपी की हालत पतली हो गई है। 2018 में करारी हार के बाद लोकसभा के चुनाव में जीत मिली है। इसमें बीजेपी को लगा था कि आगे की राह आसान होगी। प्रदेश में हुए उपचुनाव में भी पार्टी को जीत नहीं मिली। नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी की करारी हार हुई। ऐसे में 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। निकाय चुनाव के नतीजे संकेत दे रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की लहर बरकरार है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सियासी जानकार बताते हैं जमीनी स्तर की पर तुलना बीजेपी की संगठन कमजोर हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में 2 उपचुनाव हुए, उनमें भी बीजेपी की हार मिली। साथ ही पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी झलक सामने आती है। इसके साथ बीजेपी हर चुनाव से पहले मामले की सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती है। उसका भी छत्तीसगढ़ में नुकसान हुआ है। वहीं जिससे उत्साहित सीएम भूपेश बघेल ने कहा प्रदेश की सारी मतदाताओं पर भरोसा करते हुए एक तरफा जीत दिलाई। उन्होंने कहा कुछ जगहों पर संख्या बल कम है, वहां भी कांग्रेस का मेयर और अध्यक्ष बनेगा। बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, सभी जगहों पर परिणाम बेहतर आएगा। फिलहाल कांग्रेस की जीत पर आपका क्या राय कमेंट में जरूर लिखें।